फ्लैक्स बोर्ड और पंपलैंड के माध्यम से जागरूक करते थे, लेकिन वो किसान देखते थे और उसको पढ़ के साइड में रखते थे। मैंने परमानेंट यहाँ पर कार्यालय में काफ़ी किसान, डेली 200 से 300 किसान विजिट करते हैं और उनकी जानकारी के लिए एक डिजिटल किसान जो टच स्क्रीन क्योस्क लगाया है और साथ ही विभिन्न गतिविधियों को दर्शाती हुई वॉल माउंटेड गैलरी भी लगाई है, ताकि किसान आए वो देखें कि किस प्रकार से हम किसानों को लाभ दे रहे हैं और वो अपना लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। साथ साथ हमने इस डिजिटल टच स्क्रीन क्योस्क का एक QR कोड भी लगाया है। यदि किसान ये चाहते हैं कि मुझे अभी समय नहीं है, मैं घर जाके करूँगा, तो QR कोड जो कोड है इसको स्कैन करके वो घर जाके अपने मोबाइल पे भी सारी ऑनलाइन स्कीमों की जानकारी जितनी विभाग की हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, PM किसान हो, भूमि के जो मिट्टी जांच की जानकारी हो या अन्य जो जानकारियाँ हैं उनसे संबंधित, सब इस डिजिटल टच स्क्रीन क्योस्क में हमने दी हैं। सर, जैसे किसान आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हैं? जैसे हाँ, किसान तो कई बार जैसे उनको पता नहीं होता इसके बारे में चलाने के लिए। जी, हमने एक हम एक बंदा अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ, जो भी किसान इसके बारे में जानना चाहेगा उसको ऑनलाइन जानकारी हम साथ साथ बताएंगे किसान को कि आप इसको टच करें, इस स्कीम को चूज करें, स्कीम के अंदर जाएं कि किस तरह से भूमि का जो सैंपल आपको किस प्रकार से लेना है, फसल बीमा योजना में कितनी प्रीमियम राशि है, किस किस को संपर्क करें, कब करें और किस तरह से आवेदन करें, तो इसमें सारी स्कीमों की जानकारी। और ये इस तरह की वॉल माउंटेड गैलरी मैंने या तो कुरुक्षेत्रा में बनवाई थी पहले, लेकिन टच स्क्रीन और वॉल माउंटेड गैलरी हरियाणा में पहला कार्यालय है जहाँ हमने किसानों की सुविधा के लिए लगाई है, ताकि किसान प्रतिदिन आए, जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें।